आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन में एक बड़े से वेज पर एक छोटा सा मास M1 रखा हुआ है। इस क्वेश्चन में ये जो वेज है ये बाय स्ट्रिंग एक कैपिटल M से कनेक्टेड है, जो कि नीचे फ्रीली वर्टिकली डाउन जा सकता है। तो होगा क्या, जब मैं इस सिस्टम को रिस्ट से रिलीज करूंगा तो ये जो कैपिटल M है ये अपने MG फोर्स से इस पूरे सिस्टम को नीचे खींचने की ओर कोशिश करेगा। तो हमें इस क्वेश्चन में यह निकालना है कि हम कितना इस कैपिटल M का मास रखें ताकि जब ये नीचे जाए तो ये जो छोटी मास है ये अपने वेज से कांटेक्ट ना छोड़े, अपने ये जो वेज से है कांटेक्ट ना छोड़े, इन अदर वर्ड्स ये स्लिप ना करे। तो हमें करना क्या है, हमें बेसिकली एनी टाइम इस पे एक नॉर्मल, ये जो M2 है ये इस पर एनी टाइम एक नॉर्मल लगाए रखे, हमें ये इंश्योर करना है। अगर हमारा नॉर्मल 0 हो गया तो हमारा कांटेक्ट छूट जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, मैं स्मॉल M1 की एक FBD बनाता हूँ। ये स्मॉल M1 यहाँ रखा हुआ है, इस पे तो हमें इंश्योर करना है कि ये नॉर्मल यहाँ लगे। अब होगा क्या, इसके अलावे क्या क्या फोर्सेस होंगी, इस डायरेक्शन में M1G साइन 30 डिग्री दी हुई है इंक्लिनेशन, तो ये M1G साइन 30 डिग्री इस डायरेक्शन में लगेगी। और क्या होगा, इसके अलावे M1G उसी का कंपोनेंट मैंने लिख दिया, ये M1G है। बाकी हमें फ्रिक्शन नहीं कंसिडर करना है, क्यों, क्योंकि इसमें दे रखा है ऑल द सर्फेसेस आर फ्रिक्शनलेस। मैं करता हूँ अब फोर्स बैलेंस, ये लीजिए मैंने ये ड्रॉ कर दिया। तो अगर ये 30 डिग्री है तो इसके कारण ये वाला जो एंगल होगा ये भी 30 डिग्री हो जाएगा। मैं फोर्स बैलेंस करता हूँ अलोंग वर्टिकल, वर्टिकल में क्या क्या है, n का कोसाइन कंपोनेंट n cos 30 डिग्री इज इक्वल टू mg जो m1g है, ये हो गया। अब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या होगा, जैसा कि मैंने पहले कहा था रिस्ट से जैसे ही छोड़ेंगे तो ये एक्सेलरेट होगा, तो मैं इसे मान लेता हूँ ये एक्सेलरेशन a से नीचे की तरफ जाएगा। अगर ये एक्सेलरेशन a से नीचे की तरफ जाएगा तो ये टोटल, ये जो टोटल सेटअप है ये टोटल एक्सेलरेशन a1 से भी नीचे जाएगा। तो ये जो m1 ब्लॉक है ये नीचे की तरफ a1 एक्सेलरेशन से जा रहा है। तो अब मैं क्या लिखता हूँ, पहले तो मैं इसके FBD से अलोंग हॉरिजॉन्टल लिख लेता हूँ। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या होगा, n का साइनसोइडल कंपोनेंट यानी m sin 30 डिग्री इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ये जो एक्सेलरेट करेगा, ये वाला जो सिस्टम है ये जो एक्सेलरेट करेगा। अब आप इससे कंफ्यूज हो सकते हो कि मैंने A1 इस डायरेक्शन में दिखाई हुई है तो मैं इस डायरेक्शन में कैसे बैलेंस कर रहा हूँ। ये एक्चुअली मैं कह रहा था कि ये जो टोटल सिस्टम है ये A1 से इस तरफ जाएगा, तो मतलब बेसिकली वो एक लीनियर एक्सेलरेशन करेगा, ये जो टोटल सिस्टम है ये लीनियर एक्सेलरेशन करेगा। ऐसा नहीं है कि M1 मास जो है ये कॉन्टेक्ट छोड़कर नीचे की तरफ जाने लगेगा, मैंने वो दिखाने के पर्पज से A1 दिखाया था। सो इट इज अ लीनियर एक्सेलरेशन A1। तो अब मैं डिवाइड कर देता हूँ इसे n sin 30 डिग्री अपॉन n cos 30 डिग्री। तो जब डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा ma, बेसिकली ये m1a है, तो m1a अपॉन m1g। तो ये मेरा हो गया tan 30 डिग्री इज इक्वल टू a/g। तो यहाँ से मेरी एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई g इंटू टेन 30 डिग्री यानी g अपॉन √3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हो गया ओवरऑल एक्सेलरेशन। हमें अब ये कैपिटल M यानी ये मास निकालना है, तो मैं ऐसा करता हूँ इस एक्सेलरेशन को नेट फोर्स डिवाइडेड बाय मास कर देता हूँ, नेट फोर्स डिवाइडेड बाय मास। तो ये एक्सेलरेशन में नेट पुलिंग फोर्स क्या क्या है, तो एक ही पुलिंग फोर्स है ये कैपिटल M की जो
mg आएगी, कैपिटल mg। तो कैपिटल mg की वजह से ही ये नीचे जाएगा। मास में मैं सारे मासेस लिख देता हूँ, कैपिटल m, स्मॉल m1 प्लस स्मॉल m2। तो अब इक्वल कर देना है हमें, तो यहाँ था g अपॉन रूट 3 इज इक्वल टू mg अपॉन कैपिटल m प्लस m1 प्लस m2। जी जी कैंसल आउट हो गया, तो यहाँ से कैपिटल M की वैल्यू आ गई। कैपिटल M में एक रिलेशन आ गया एक्चुअली, कैपिटल M प्लस M1 प्लस M2 अपॉन रूट 3। तो इस इक्वलिटी को जब आप सॉल्व करोगे तो आपको कैपिटल M की वैल्यू 6.83 kg आ जाएगी। हमें एक्चुअली इसमें स्मॉल m1 और स्मॉल m2 का मास दे रखा है, तो वहां से कैपिटल m की ये वैल्यू आ जाएगी। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।